अभी हम खड़े हैं भाई स्पिलो में। भाई ये मुर्गी ने फ्रेश अंडा दिया अभी। तो भाई ये देखो कैसे इग्लू बन रखे हैं, बहुत ही शानदार इग्लू। वो देखो सर कौन सी जगह है ये? डुबलिंग। डुबलिंग, डुबलिंग पहुंच गए हम। और चल रही है वो देखो ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग, ये सारा अभी कवर करना है हमने आगे से। तो फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं स्पिटी वैली, और स्पिटी वैली की एंट्री करवा दी है यहाँ पर, अपना मोबाइल नंबर गाड़ी नंबर सब कुछ दे दी। भाई हम पहुंच गए हैं रेकोंग पीओ, और यहाँ से अपना प्रदीप भाई को डलवाना है फ्यूल, वो करवा रहे हैं फ्यूल। और सामने देखो कितने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ वाले, बस वही जा रहे हैं हम। भाई कितने अच्छे नज़ारे शुरू हो चुके हैं बर्फ वाले, मैंने अपनी एंट्री करा लिया, भाई दोनों एंट्री करा रहे हैं बाइक्स के, और सामने देखो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी हम खड़े हैं भाई स्पिलो में, और हम जा रहे हैं आगे अब सीधा स्पिटी वैली। एंट्री मैंने करा ली है बाइक की, नाम नंबर सब दे दिया है, शायद एक बार एंट्री और होगी क्योंकि स्पिटी से पहले होती है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अब पहुंच गए हैं स्पिलो। स्पिलो में करेंगे ब्रेकफास्ट, और पहले हम रुके थे वहां पर, कराई थी एंट्री स्पिलो की आउटसाइड थी, अब पहुंच गए स्पिलो सिटी में। भाई ये मुर्गी ने फ्रेश अंडा दिया अभी। ये ओ गाली दे रही है, वो गाली दे रही है हमको, वो देखो एक दो तीन, एक इसके पीछे चला गया, कहाँ गया पूरा। ये भाई मुर्गी ने अंडा दिया अभी। लो भाई तुम्हारी मुर्गी ने अंडा दिया, क्या करना है इसको, बना के खा लो और क्या करोगे। भाई उधर बाइक में भी हवा चेक करानी कर देना भी। भाई स्पिलो से जस्ट निकले थे और यहाँ पर हो गई है लैंडस्लाइड, तो यहाँ पर अभी टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा पत्थर नीचे आ रखे हैं। तो अभी तो आपको दिखाता हूँ कैसे, मतलब वो साफ कर रहे हैं रास्ते को, हमारे सामने ही कर रहे थे। भाई कितना बड़ा पत्थर है, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको निकालना, उठ नहीं रहा वो। तो भाई ये दिक्कत करेगा, बड़ा पत्थर अट जाए ना फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा आगे जा। बहुत गंदी लैंडस्लाइड है, बहुत गंदी लैंडस्लाइड हो चुकी है, वो बड़ा पत्थर पर रट जाएगा ना फिर निकलना इजी हो जाएगा, वो निकाल रहा है धीरे धीरे, मुश्किल होगा। तो भाई ये सतलुज नदी है बिल्कुल अपने नीचे। तो भैया कह रहे हैं फटाफट निकल जाओ क्योंकि लैंडस्लाइड अब खत्म कर दी उन्होंने, साफ कर दिया बिल्कुल। तो तब तक भाई सारे अपने निकल जाएं, लैंडस्लाइड बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है, टाइम से निकल जाएं आगे ताकि जल्दी से पहुंचने वाले बने हम लोग स्पिटी वैली। और यहाँ पर अपने कुछ यूट्यूबर भाई मिल गए थे, उनसे मिले हैं, दिल्ली के लड़के थे, लंडे बढ़िया थे, छोरे बढ़िया थे। चलो भाई चले, थैंक यू भैया। तो ये भाई ये लैंडस्लाइड वाला एरिया था, ये बिल्कुल रोड क्लियर कर दिए इन्होंने, और हद से 20 to 25 मिनट्स लगे हैं रोड क्लियर करने में। अभी हम जा रहे हैं सीधा स्पिटी वैली,
और ये क्या ही रोड है भाई। चले प्रदीप आगे चला गया। चलो भाई भी आ रहे हैं। भाई मिट्टी मिट्टी पूरा हो गया, क्योंकि वो जब फेंक रहे थे ना पत्थर नीचे, तो उसमें बहुत सारा नॉइस आ रहा था और मिट्टी बहुत आ रही थी, तो वो ही उड़ रही थी बस। भाई वो देखो कितना सोना मौसम है, आगे बहुत बढ़िया मौसम होने वाला है और काजा हम पहुंचने वाले हैं बस। मजा आएगा वहां पहुंच के, जल्दी से पहुंचना चाहते हैं बस। तो भाई ये देखो कैसे इग्लू बन रखे हैं, बहुत ही शानदार इग्लू है। देखो पूरे इग्लू टाइप में, मतलब उन्होंने बना रखा है, असली इग्लू नहीं है, शिमला के सर। कौन सी जगह है ये? डुबलिंग। डुबलिंग, डुबलिंग पहुंच गए हम। PB02 DC 1698 टापरी से। टापरी से नाम सार्थक। तो भाई यहां पर करा ली है एंट्री, और भाई इसके नंबर वगैरह लिखने होते हैं, ज्यादा बड़ी होती नहीं। तो चलो आगे चले, आया जल्दी। आप यहाँ हैं डुबलिंग में, डोगरी डुबलिंग विलेज 5 किलोमीटर का है भाई, सिर्फ एक छोटा सा विलेज है। भाई सब कुछ रिवर नीचे, भाई ये सीन देखना आप, इतना मस्त। ये देखो भाई थोड़ी डेडली रोड, बड़ी मुश्किल होती है, सारे रास्ते बन चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार रास्ता है, इतना मज़ा आता है यहाँ पर ड्राइव करके, इतना सुकून मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर ड्राइव करके। इसका थोड़ा सिनेमेटिक चलाते हैं, और आप ये समझिए कि आप खुद ड्राइव कर रहे हो। आप चेक करो भाई, बस थोड़ी ही देर में स्नो बेल्ट शुरू होने वाली है, और स्नो बेल्ट हमारी हमें बाइक चलानी है, बहुत ही मतलब डेंजरस चीज़ है, बाइक स्लिप होता है बहुत। ये चेक करो भाई व्यू यहाँ से कितना शानदार व्यू है, ये चेक करो भाई यहाँ से कितना शानदार व्यू है यार, एक नंबर भाई। इसके जो मज़े हैं ना दोबारा नहीं मिलेंगे भाई। ये चेक करो क्या मज़े का नज़ारा है, स्नो बेल्ट शुरू होने वाली है बस थोड़ी ही देर भाई, ये व्यू बार बार देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम पहुँचने वाले हैं काजा, सिर्फ 100 किलोमीटर रह गया है। दोबारा मेरे को देखने को नहीं मिलेगा, सीन में टेम्परेचर बताओ तो भाई -1 है, और जहां हम जा रहे हैं वहां भाई टेम्परेचर है -10। आना रहेगा 112। भाई डेडली फ्लोर पे आओ, नीचे देखो यानी देखो डर लगता है भाई। राइडर एक और राइडर
पर चल रही है और वो देखो जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये सारा भी कवर करना है हमने आगे से, सारा कवर करके वो पीछे इसके काजा जाना है हमने। 100 किलोमीटर रह गए सिर्फ और स्नो भाई शुरू हो चुकी है। ये देखो, चेक करो कितना सही, मतलब स्नो है, फ्रेश है। हाँ फ्रेश है भाई, फ्रेश मतलब काफ़ी देर से पड़ी है, अनटच्ड है ये, बस काफ़ी अच्छा सीन है भाई। हो ऑक्सीजन कम हो गया क्योंकि काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, पर ये जिगजैग करके बड़ा मज़ा आएगा, बस जिगजैग पे जा रहे हैं सिर्फ, बहुत मज़ा आएगा। हवा चल रही है, वो देखो पीछे पहाड़ पूरा कवर्ड है वो स्नो से, कितना मस्त सीन है ना भाई, मजा आया। नहीं हॉर्न करके लिया, ऐसे नहीं लिया भाई, सारा रास्ता खाली बड़ा, मिरर लगे नहीं लगे, वो गोले साइड वाले गोल मिरर है, नहीं ये वाला, ये एक ही में हुआ बस, पीछे बाकी ठीक था सारा। ठंड शुरू हो गई है, ऑक्सीजन कम हो गया, तो फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं स्पिटी वैली, और स्पिटी वैली की एंट्री करवा दी है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर गाड़ी नंबर सब कुछ दे दिया है। तो ये चेक करो गाइज, वेलकम टू स्पिटी वैली। अब यहाँ से दो रास्ते मुड़ जाते हैं, जो कि है मुर्मी को और एक काजा को, हम जाएंगे काजा को क्योंकि हम आए हैं रेगपांग पीओ से, पीओ से हम लोग आ चुके हैं। और ये चेक करो गाइज, वेलकम टू स्पिटी वैली। तो ये रही स्पिटी वैली, वो बर्फ़ है, हमको काजा में बर्फ़ मिलेगी इसलिए हम काजा जा रहे हैं। तो काजा की तरफ मुड़ते हैं और आगे चलते हैं जल्दी से जल्दी। स्टे ट्यून्ड फॉर बेटर, वेलकम टू स्पिटी वैली। तो ऐसे लग रहा है आदमी के सींग है। तो ये भाई हम टाबो पहुंच गए हैं और यहाँ का सीन बहुत जबरदस्त है, हवा बहुत तेज चल रही है। तो टाबो से बस काजा कितना रह गया, 50 किलोमीटर काजा रह गया, काजा जाके स्टे लेते हैं, रेस्ट करते हैं, अभी टाइम हो गया है 2 बज गए, जाके कुछ खाते हैं पीते हैं, भूख बहुत लगी है। कितने गाड़ा है टाबो में खाते हैं,